ससुराल में दामाद को मुर्गा नहीं खिलाने से दामाद ने दिया धमकी। अच्छा, अब मैं तुम्हारी लड़की नहीं रखता। बटे कुछ भी छापते रहते हैं। ये क्या लिखता है? नए नए दामाद को साले ने किया दारू के लिए पूछा कौन सा ब्रांड लोगे जीजा जी। अच्छा, तैयार हो गई मैं। तुम कब तैयार होगे? अरे धीर भी रह चन तेरे को। पर तुमको दिमाग विमाग है क्या? नहीं कहती हूँ मैं। काय का? बीज की फल्ली को काय के लिए खा रहे हो? तो बीज की फल्ली? हाँ, बीज के लिए रखी थी मैंने उनको। अरे मैं सोचा है झाड़न पोषण की होगी। तुमको तो हर चीज झाड़न पोषण की लगेगी। मझले वाले को भी वैसा ही कुछ भी फलता उठा के खा लेकर तुम भी यही धंधा तुम्हारा। उठो ना जल्दी, तैयार हो ना जी। तो जाते हैं ना बड़ी तेरे को भी यहाँ पे। चलो मार के जाने के लिए तो ऐसी होगी। अरे बाप, पहनो ना जी। क्या कर रहे हो तुम? पहन रहा हूँ ना वो। अरे खिचड़ी खिचड़ी काम है तुम्हारा। मेरे मायके जाते समय तुम्हारा ये काम रहेगा। अरे कभी ले गया नहीं क्या तेरे को? आ तो ले गए तो हर समय लेट लतीफी करोगे तुम। हो गया, इतनी खुशी है ना अंदर से। पर लेकिन 150 रुपए एक्स्ट्रा रखे हो क्या? नहीं वहाँ देने के लिए? तू फालतू बात मत करे। फालतू बात मैंने सिर्फ बस का किराया के लिए रखा हूँ। हो गया पैसे? अच्छा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो वहाँ कहाँ पैसे लगे? पिछली बार गया था, फुल पेंट टंगाया खुटी में, तेरे भाई ने चोर लिया था 50 रुपए। अरे तो इसलिए चोरा था क्योंकि तुमने उसको दिए नहीं थे। 10 रुपए मांग रहे, तुमको देना चाहिए था ना, 5 ही दे देते। उनके घर मैं गया था ना, वो देते मेरे को क्या? बड़ा वाह, सौतेला व्यवहार मत करना मेरे भाई लोगों के साथ, मैं बता रही हूँ। मेरे को आखिरी उसने चोरा उसकी नहीं, आखिरी वो कड़ी नोट थी, मैंने बहुत दिन से बचा के रखा था उसको। तो तुम एक काम करो, कोई भी नोट को गीला कर दो, मैं प्रेस लगा दूंगी, अब भी कड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा सौतेला व्यवहार मत करना, मैं बता दे रही हूँ। तो ले जाऊंगी नहीं तो साथ में नहीं ले जाने की। ठीक है, तुम्हें नहीं आता। अरे तो मजाक कर दी ना, देख ताव मत चढ़ाना। हाँ, दुनिया घर वाले पीछे घूमते होंगे ससुराल जाने, अपने से नहीं बनता। तुम भला आते हो मेरे को लेने के लिए? अकेले जाती हूँ तो कितने देर रुकता हूँ? 5 मिनट में चल पिंकी पर रहा नहीं जाता ना, जब तो आते हो तुम। तेरे बाप में एक हाथ बार ऐसा रोके दो एक दिन और ऐसा कहे कि मुर्गा खा लो जी कि मछली खा लो जी। पापी इंसान हो जी, तुम्हारे शकल से ही पापी लिखा है। तेरे को जाना तो तू जा, फिर बता रहा हूँ। कितना खाओगे? कितना खाओगे बताओ ना। अरे माँ बाप के यहाँ की ज्यादा बढ़ाई मत बताए तू मेरे को। तुम मत बताओ मेरे को, तुम यहाँ की बढ़ाई लोगों को बताते हो तो मैं कुछ बोलती हूँ क्या? उनको पता है कि मैं पेट पी के जिंदगी बिता रही हूँ। क्या पी के? पेट पी के। अरे तू रहन दे, तेरे बाप माँ के यहाँ देखा मैंने सेलवट की फोड़ी और वो बड़ी की सब्जी खाते प्राण गए हैं। हाँ, मेरे को बता। तुम्हारा तो पोटा रच गए हैं यहाँ खा खा के, वहाँ तो फिर भी खिला रहे हैं, यहाँ पे कौन डालेगा? अरे तू यही घर है जो तरी है। ऐसा तेरे बाप घर नहीं ऐसे भट्टा काट के जब सीरा वाली सब्जी बनाते थे ना, गपा गप भात खाती थी, ऐसी थी। अब देख लो कैसी हो गई हूँ, समझ रहे हो? यहाँ पर अरे कलमू ही उम्र के हिसाब से ढल रही है। तुम बताओ तुम कितने कल्लू हो? तुम काय के लिए आए मेरे को लेने के लिए? वहाँ देखने के लिए क्यों आए बताओ? अरे मेरे बाप के किस्मत फूट गए थे मेरे। अरे तो मेरे भी। मेरा बाप वहाँ जाके अड़ गया कि बैसी बहु मंगूंगा कहके, चौड़े माथे किए कहने लगा। अच्छा, मेरा लड़का उन्नति करेगा कहने लगा। तुम्हारे बाप ने बोला था, तुमने कर लिए? क्यों तुमको पसंद नहीं आई थी तो पहले मना कर देना। मैं तो देखते से बोल रही थी घर में कि मैं नहीं कर सकती हूँ, करिए आदमी से शादी करके जबरदस्ती का शादी कराती। तेरी संगति में काला पड़ा मैं। अच्छा। तो पहले बचपने की फोटो देखना, लाइन लग जाती थी लड़कियों की। सर लाल वही आदमी रहते हैं जो काले रहते हैं, अब धूप में चलते हो तो लाल हो जाते हैं, उसका मतलब यह नहीं कि गोरे हो तुम, समझ रहे हो? अरे तर गई तू, वो ज्यादा मत सिखाए मेरे को। तार दी मैंने क्या? लोटा गिल्ला जरा जरा सी थे यहाँ पे, ऐसे बड़े बड़े लाके ढेर कर दी मैंने। क्या बना दी? दहेज बड़ा 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 कर रही है यहाँ पे साला, तो फूक दूं गिलास को तो उड़ जाता है। अच्छा, बस बोल बोल के ढेर लगा दिए। फालतू बात करती वहाँ क्या, क्या दे, इतने बड़े बड़े ऐसे गंजी चपेला बना दी, देख रहे हो? इतनी सी बड़ी खोरी थी, पूरे थाली का ढेर लगा। बाप को मैंने कहा था ना दहेज मेरे को 1 रुपए का नहीं चाहिए करके, का को झक मराने के लिए दिया? तो तुम्हारे बाप ने काहे के लिए बोला था मेरे बाप को? मत कर, तेरे को जाना होगा, जा मैं नहीं जाता अब। Oh, no. जाऊंगी तो दोबारा आऊंगी, नहीं बता रही फिर जाना। मैं तो सोच ही रहा हूँ तू जाए कि दूसरी बनाऊ मैं कहीं।
साली पागल कहीं की फालतू बात करते रहे ना, छोटे होते रहे तो पटका ही देती हो, दिमाग खराब कर गए। चलो अब जल्दी जाना तो काली ऐसी झगड़ा करके अपने मायके ले जाएगी मेरे को। मैंने थोड़ी कही, मैंने तुम्हें फिर वहां जाओ और चुप रहो तो कहते घुमन जैसे रहते हो, घुमन जैसे रहते हो। तो क्या कर लो मैं? अरे तो मैंने 150 की लिख तो बोली थी तुमको के पूरा घर को उठा के ले जाओ कह रही। तेरे भाई ने क्यों चोरा? तुमने पैसा नहीं दिया इसलिए चोरा। तेरे बाप ने एक हाथ बार मेरे को दिए 100-150 ये लो जी खर्चा पानी के लिए रख लो। भगवान ऐसे कड़े कड़े पैंट और साला पिछली बार वो लड्डू लाया था मैंने तो पकड़ते से फूट जाता था। तो जैसा बनेगा वैसा तो पहुंचाते हैं। बड़ी बड़ी बात कर चल। बड़ी बड़ी तुम तो ऐसा बिल्कुल घी के लड्डू ऐसे ऐसे खिलाओ। जाना है क्या? नहीं जाना है। कहाँ जा रहे हो? घर में देखना खाना वाना बाबू को बना के देना। रे कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं पोहा के लिए। बड़ा जा रहा है तेरा भाई ने ऐसा सा घी के लड्डू खिला खिला के उल्टी करवा दिया मेरे को, तो जा रही हूँ इलाज करवाने उधर। भारी बताओ चलो चुप्पी चुप्पी घी के लड्डू खिला रहे। इसको समझा देने तो मैं ना अभी पूरी पिक्चर बिगाड़ दूंगा यहाँ पे। अच्छा घी के लड्डू कहाँ से आए तेरे पास बता? अबे वो डायलॉग बोलती है वैसी भाई। डायलॉग बोलती डालडा का तेल गुल्ली का तेल में सब्जी खिलाए मेरे को, तुम बताओगे मेरे को? आजकल तो गुल्ली का तेल भी नसीब नहीं होता, शुद्ध वाला अलसी का तेल गुल्ली का तेल। अरे सारे ऐसे पैसे वाले थे तो बुलाना था ना एक से ब्रांड के तेल। अरे चुप रे तू, जा रहे भाग रहे यहाँ से रे। मैं भी आ रहा हूँ ना, तैयारी कर लूंगी। अबे इसके मायके जा रहे हैं हम। काहे के लिए? अच्छा अरे खेत में इसके बाप का फोन नहीं आया था क्या? खाजा खचकुला ले जा लो गए के। मतलब ओ बाबू आटे के लड्डू देते तेरे मायके वाले वहाँ। हाँ, देख, अरे देख। तुम तो मोती चूर के लड्डू खिलाते हो मेरे को। हमारी बहन को देंगे ही हम, क्योंगा छीना मत छीना। तीन भाई है, तीन भाई की जब कमाई जब होगी ना मैं देख लेना फिर। मेरे को नहीं चाहिए पहले बता। तू छीना मत लेके आऊंगी तो ठीक है, छीना मत बिल्कुल। मेरे लिए मगज के लड्डू भरनी वाले मंगवाना। हाँ तो खाऊंगा नहीं तो नहीं खाता मैं। मेरा दिमाग खराब मत करो रे। देखो मैं तो जाने की नहीं, चल हटा हटा कैंसिल। क्या कहां नहीं जाऊंगी, जाऊंगी मैं। चलो मैं भी आ रहा हूं। भाग रहे बन यहां से। चलो मैं भी आ रहा हूं। चलो ना देख मैं नहीं आऊंगा तो पक्का पक्का आटे के लड्डू दे देंगे। अरे मैं चेक करूंगा रात भर नहीं सोने का मैं। हाँ चल दो मिनट में तैयारी करके। अरे तू रहने देना बे, वहाँ ले दे के तो दो जन को वहाँ जगह नहीं होती रहने के लिए। अबे तू मत आ, बाबू को खाना बना के देना। जाओ एक एक को देखूंगी। ला लो खाजा खटकुला, इतना सा खा के देखना तू लमडोड़िया। तेरे तेरे मुंह के सामने दांत तोड़ दूंगी सही में, ऐसा दिमाग खराब कर डाले मेरा। ठीक है ना, बोल लो चीख चीख के बोले हो, कोई बात नहीं। रुक जाओ देख लूंगी सबको एक एक। और को सुन, जो हुआ यही हुआ, मेरा वहाँ जाके दिमाग खराब मत करना बता रहा हूँ। अरे तो मैं नहीं करती, तुम करते हैं मेरा दिमाग खराब। हाँ, और तेरे बाप और तेरे भाई को बता देना कई दिन में आए तुम्हारे दमान, तो कहना इनको दाल चावल आजकल नहीं जमता कहना। हाँ, नहीं तो वो साला घुंघरी मत खिला देंगे पोपट की मेरे को। मुर्गा मछली अंडे और झींगे इसकी सब्जी खाऊंगा मैं। अरे मेरा भी हक है भाई, ससुराल जाता हूँ तो मेरे को भी लगता है कि कई दिन में आया हूँ तो अच्छा अच्छा खाने मिले। मन तो करता है ना खड़ा कुत्ता काटू और तुमको खिला दू। सही में ऐसा दिमाग खा लगता है, बड़ा खाने वाले मेरे को तो बड़ा खिलाते हो तुम यहाँ ला ला के हर में, हर हफ्ते मुर्गा तितरी। मटके मत ऐसा साइड में लेके, मटके मत जल्दी चलो उधर पापा जाएगी अभी नहीं तो जाएगी वाली। डेंग डेंग मत करना नन रस्ते, अब चुपचाप चल बता रहा हूँ। मेरा देखो जी मैं अब भी आप असर के रोने लगूंगी बता रही हूँ। चल हटाने जाते फिर यहाँ नवटंकी मत कर। तो क्यों बोलते हो ज्यादा तुम मेरे को? अब चुप चुप चल। बरला बरला।